हेलो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने पढ़ा इनिशिएशन किस प्रकार से होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस का और राइबोसोम की जो दोनों यूनिट्स होती हैं वो किस प्रकार से असेंबल हो जाती हैं ये जो राइबोसोम की दोनों साइड्स होती हैं उसमें आप देखेंगे क्लैफ्ट होते हैं स्मॉल दी साइड्स एक्चुअली ए साइट और पी साइट है दे आर इन दी क्लैफ़्ट ऑफ द स्मॉल सब यूनिट जो छोटी सब यूनिट होती है उसमें छोटे छोटे क्लैफ्ट बन जाते हैं वहाँ पर मौजूद होती है ये साइट एंड कंटेन एडजिस्ट कोडोन्ट आर बींग ट्रांसलेटेड और उनमें कौन सी साइट वो होते हैं कोडोन्स जो कि ट्रांसलेट हो रहे होते हैं सो वन मेजर आउटकम ऑफ इनिशियशन इज़ दी प्लेसमेंट ऑफ़ द इनिशिएटर ट्रांसफ़र आ रए नाम ने पिछले उसमें देखा था कि किस प्रकार से जो ट्रांसफ़र आ रहे हैं वो देखिए यहाँ ये यह हमने प्रोसेस में देखा था किस प्रकार से ये दोनों यूनिट्स जो होती हैं वो जुड़ती हैं इनके क्लेफ्ट में पी साइट है ए साइट है आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड पे पी साइट है ए साइट है जो कि क्लैफ्ट में मौजूद है ये अलग से डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है क्लेफ्ट तो इसका एक प्रकार से क्या हो गया इनिशिएटर ट्रांसफ़र आ रहे हैं इसमें ऐड हो गया पी साइट पर ये देखिए पी साइट पर इनिशिएटर ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है स्मॉल में एफ मिथियो नाइन जहाँ लिखा हुआ है ये इनिशिएटर ट्रांसफ़र आ रहे हैं इट इज़ दी ओनली ट्रांसफ़र आ रहे ने जो कि ये काम कर सकता है ऑल अदर ट्रांसफ़र आर एन एज मस्ट एंटर द ए साइट और दूसरे जितने भी होंगे ट्रांसफ़र आर एन ए वो ए साइट पर आते हैं और जो इनिशिएटर होता है वो आता है पी साइट पर अब हम एक्चुअल एलोंगेशन की बात करते हैं कि जब सेवनटी एस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये देखिए सेवनटी एस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया अब एलोंगेशन साइकिल बढ़ती है शुरू होती है और ये साइकिल तीन स्टेप्स में पूरी होती है फर्स्ट है एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आ रहे ने डिलीवरी बी इज़ पैप्टीडाइल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड थर्ड इज़ ट्रांसलोकेशन और मूवमेंट यानी तीन स्टेप्स में ये पूरी होगी पहला एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आ रहे हैं की डिलीवरी होना दूसरा पैप्टाइड बॉन्ड का बनना तीसरा उसका ट्रांसलोकेशन होना यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पी साइट जो है वो ऑक्यूपाइड है किससे इनिशिएटर ट्रांसफर आ रहे से और ए साइट है वो खाली है अभी इसमें कुछ नहीं है ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं अच्छे से डॉटेड जो बॉक्स बना रखे हैं बड़ी वाली सब यूनिट में उसमें पी साइट में तो है इनिशिएटर ट्रांसफर आ रहे हैं लेकिन जो ए साइट है दैट इज एम इसमें इन्वॉल्व होते हैं तीन इलोंगेशन फैक्टर्स ऑल दीज फैक्टर्स नेम्ड एज ई ए टी यू ई एफ टी एस ई एफ जी ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये जी टी पी या जी डी पी से बंजते हैं एंड हैव मासज़ ऑफ फोर्टी फाइव थर्टी एंड एट्टी रेस्पेक्टिवली के डीए एंड ई पी टी एस एंड ई पी जी आर अबाउट एज अबंड एज़ राइबोसोम्स यानी टी एस और जी जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जितने रैबोसोम उतने ये लेकिन जो टी यू होता है ये नियरली मोर टेन टाइम्स मोर देन अबंडेंस यानी अबंडेंस जो इसकी होती है वो इनसे भी दस गुना अधिक होती है तो जो प्रोसेस है इलॉन्गेशन जो स्टेज है प्रोटीन सिंथेसिस की वो किस प्रकार से चल रही है कि सबसे पहला हम बात करते हैं एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरने की डिलीवरी का जो ई टी जो इसका है टी यू वाला हिस्सा इज़ रिक्वायर्ड टू डिलीवर द अमीनो एसाइल ट्रांसफर आ रहे टू द ए साइट एन एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन दिस स्टेप बाई द हाइड्रोलिस ऑफ जी टी पी अब देखिए ये जो है इसमें सबसे पहला प्रोसेस हमें क्या करना है कि इसको ए पी साइड से ए साइट में ट्रांसफ़र करना है और इसके लिए एनर्जी कौन देगा जी टी पी हाइड्रोलिस हो जाएगा जी टी पी का और वो इसको एनर्जी दे देगा द रिलीज ई एफ टी यू जी टी पी कॉम्प्लेक्स इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ ई एफ टी एस ये रीजनरेट किससे होगा ई एफ टी एस से अब इन द ई एफ टी यू ई एफ टी एस जो इसकी एक्सचेंज साइकिल चलेगी वो कैसे चलेगी दैट ई एफ टी एस and द जी टी पी एंड सब्सिक्वेंटली इज डिस्प्लेस्ड सेल्फ बाई जी टी पी जो ई एफ टी एस है वो जी टी पी को भी डिस्प्लेस कर देता है और जी से खुद भी हो जाता है एक तरह से डिस्प्लेस तो रिजल्टेंट क्या बनेगा ई एफ टी यू जी टी पी कॉम्प्लेक्स इज नाउ एबल टू बाइंड अनादर अमीनोसाइल ट्रांसफ़र आ रए एंड डिलीवर इट टू द राइबोसोम अगर ये पी साइट पे ही पड़ा रहेगा ये ट्रांसफ़र आ रए इनिशिएटर तो ये कैसे आगे काम करेगा हर बार एक नया बनाना पड़ेगा तो ये क्या करता है कि जो जी से एनर्जी लेकर के इन कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से जो ई एफ टी यू ई एफ टी एस हैं इनकी हेल्प से ये ए साइट पर जा करके और ख़ुद को अपने बिल्कुल अलग कर लेता है एंड ऑल अमाइनो जो अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आर एन एज है कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ई एफ टी यू एक्सेप्ट द इनिशिएटर ट्रांसफ़र आर ये ख़ासियत है इनिशिएटर ट्रांसफ़र आर जो होता है वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता ई एफ टी यू के साथ में जबकि बाकी बना सकते हैं सो सब्सिक्वेंटली डिस्प्लेस होता चला जाता है ये जी टी पी से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आफ्टर एमिनो सेकेंड जो इसका प्रोसेस होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किस प्रकार से बनेगी यहाँ देखिए इस तरह से ये है साइट पी साइट है ये ए साइट है यहाँ ये देखिए किस तरह से इसको प्रोसेस को दिखाया गया है एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आ रहे जी टी पी ई एफ ये टी यू कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ ये जी टी पी से एनर्जी लेकर के किस प्रकार से रिलीज हो रहा है इसकी एक्सचेंज साइकिल ये यहाँ पर दिखाई गई है ये आप एक बार पढ़ के देखिए देखिए अलग अलग एक एक हिस्से को आपको इसे समझना है ये किस प्रकार से एक एक हिस्सा इसका अलग हो रहा है यहाँ लास्टली बिल्कुल अलग हो चुका है ई एफ टी एस इधर आ गया है ये फिर टी यू के साथ में अटैच हो रहा है ये जी डी पी बन गया ये ई एफ टी एस है तो एक बार आप इसे पढ़ कर देखिएगा इस तरह से ये जब अलग हो गया अब इसमें ये देखिए बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसाइल ट्रांसफर आ रहे हैं टू ए साइट अब ये ए साइट पर किस प्रकार से जुड़ता है आफ्टर अमीनो एसाइल ट्रांसफर आ रहे हैं डिलीवरी द ए एंड पी साइट्स आर बोथ ऑक्यूपाइड एंड द टू अमीनो एसिड्स दैट आर टू बी ज्वाइन आर इन क्लोज अप्रॉक्सिमिटी द पैप्टीडाइल जो पैप्टी पैप्टीडिल ट्रांसफर इज एक्टिविटी है ऑफ द फिफ्टी एस अब यूनिट कैन नाउ फॉर्म अ पैप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दीज टू अमीनो एसिड्स ये जो दो अमीनो एसिड्स हैं विदाउट द इनपुट ऑफ एनी मो एनर्जी सिंस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वाज यूज्ड टू चार्ज द ट्रांसफ़र आर एन सो इन दोनों अमीनो एसिड्स के इसमें कोई एनर्जी का इनपुट नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी ए ट्रांसफ़र आर को चार्ज करने के काम में आ चुके हैं यहाँ ये देखिए किस प्रकार से इसकी जो एम्प्टी जगह है उसको भी फिल कर दिया गया है अब पैप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है अब यहां पर peptide, किस प्रकार से सेंटर काम में करता है कॉम्प्लेक्स ऑफ ई एफ जी ये जो ट्रांसो एंड जी टी पी जो होता है इट बाइंड टू द राइबोसोम एंड इन एन एनर्जी कंज्यूमिंग इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है जो डिस्चार्ज ट्रांसफर आ रही होता है वो इज इजेक्टेड फ्रॉम द पी साइट पी साइट से उसको इजेक्ट कर दिया जाता है एंड पैप्टी डिल ट्रांसफर आ रहे इज मूव फ्रॉम ए साइड टू द दी साइड एंड द मैसेंजर आ रहे ने मूव्स बाय वन कोडोन रिलेटिव टू द राइबोसोम यहाँ ये देखिए एक उससे साइड से वो आगे आ गया है इसमें देखिए आप ये आगे आ चुका फाइव प्राइम और थ्री प्राइम पोजिशन से ही आप समझ लीजिए ये आगे की तरफ आ चुकी पहले ही अटैच्ड थी यहाँ पर एक कोडोन उससे खिसक गई है इधर आ न्यू कोडोन इज नाउ प्रेजेंट इन द वेकेंट ए साइट इस प्रकार से ये देखिए किस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं ये रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट इन प्रो कैरियोर्स द डिस्चार्ज ट्रांसफर आ रहे इज फर्स्ट मूव टू एन ई साइट यानी एग्जिट साइट एंड इज इजेक्टेड वेन द नेक्स्ट एमिनो मीनो ट्रांसफर आ रहे हैं बाइंड इन दिस वे द राइवोसोमेंटेन्स कॉन्टैक्ट विद द मैसेंजर आ रहे हैं वाई आर सिक्स बेस फेयर्स देखिए लगातार नीचे जो मैसेंजर आ रहे हैं उसकी सिक्स बेस जो हैं वो लगातार कॉन्टैक्ट में है विच मे रिड्यूज़ द चांसेज ऑफ़ फ्रेम शिफ्टिंग वन साइकिल ऑफ अ थ्री स्टेप इलांगेशन साइकिल कम्प्लीट हो जाती है एंड अगेन द साइकिल इन रिपिटेशन चलती है अनटिल वन ऑफ द थ्री डाइम टर्मिनेशन कोडोन्स अपीयर्स इन द ए साइट जब ए साइट में नीचे की तरफ जो है कोडोन वो जैसे ही टर्मिनेशन कोडोन्स आ जाएंगे तब ये प्रोसेस जो होगा वो इस्टॉप हो जाएगा तो ये जो हमने देखा इनिशिएशन आपको बता चुके ये जो है इलोंगेशन की किस प्रकार से जो है उसकी स्टडी होती है मैसेंजर आ के कोडोन्स की और अकॉर्डिंगली उसमें अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो फाइंड आउट करे जाते हैं जोड़े जाते हैं और फिर उससे पैप्टीडाइल जो पैप्टाइड बॉन्ड बनता है वो फॉर्मेशन होती है और इस फॉर्मेशन के होने के उपरांत जो है आगे बढ़ता चला जाता है ये देखिए आप फर्स्ट पिक्चर से आप जैसे ही लास्ट पिक्चर पर आते हैं इस इलॉन्गेशन स्टेज में आप ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक बॉक्स है जो कि कहाँ बीच में लगा हुआ था ये एक कदम सरक गया है एक तरफ खिसक गया ये और ये किस तरह से इसको रीड करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं यानी थ्री प्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं और फाइव प्राइम की तरफ पीछे आ रहे हैं यानी स्टडी हो रही है मैसेंजर आ रहे हैं कि किस किस प्रकार से जुड़ रहे हैं पहले पी साइड जो होती है वो वेकेंट होती है ए साइड में पहुँचती है पी साइड में दूसरा आ जाता है ए साइड से वो स्टडी हो करके फिर एग्जिट उसको एग्ज़िट कर दिया जाता है किस तरीके से देखिए इसका इवैक्यूएशन यानी इसको हटाते चले जा रहे हैं यहाँ से और फिर दूसरे उसकी जगह लेते चले जा रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है ये इलॉन्गेशन का प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आर एन ए डिलीवरी होती है उसके बाद पैप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है देन उसका ट्रांसलोकेशन हो जाता है और दूसरे उसकी जगह ले लेते हैं यानी वन साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है इस प्रकार से जो डिस्चार्ज ट्रांसफ़र आ रहे होता है वो फर्स्ट मूव कहाँ करता है ई e साइट पर फिर इजेक्ट किया जाता है कब वैन द नेक्स्ट आई मीनो असाइल ट्रांसफ़र आ रहे बाइंडस और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो इसका चलता रहता है नेक्स्ट क्लास में हम टर्मिनेशन पढ़ेंगे